बाबा के श्री चरणों में, आपके आंगन की बच्ची बाबा साहब, आपके क्षेत्र की बच्ची, आपकी बच्ची कुमारी लक्ष्मी सिंह सिनबार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत को नमामि नमस्कार। रामानंद भैया जी, सर्वप्रथम निवेदन करूंगी भैया, इन पकौड़ों ने बाद में बांटी हूँ। ओ भैया, पकौड़ों ने बाद में बांटी हूँ, अभी मत बांटो, हटा लो हटा लो। भैया जी सुनिएगा, कोई बात ना, सब काम मेरे नंबर पे करवा लियो तुम, है ना भैया जी, विचार कीजिएगा। कहा दीपक को ध्यान पतंग रहे, पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। भैया जी, गाने वाले बाबा साहब आपके सामने बहुत आए, उल्लंघन नहीं करूंगी मैं उनका, लेकिन भैया जी आपने मेला जो लगाया है, वो आपने जो कार्यक्रम कराया है, भजन चिकड़ियों का कराया है बाबा साहब, कोई रसिया गा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, लेकिन भैया जी सुनिएगा, जिगड़े की जहां से पहचान होती है, जिगड़े की जो जड़ होती है, जिगड़े की जो जननी होती है, जिगड़े का जहां पति स्थल होता है, भैया गौरव उसे कहते हैं साखी। गाने वाले ने अभी तक आपको कोई ने साखी नहीं सुनाई, लेकिन सुनिएगा साखी भैया क्या गा। अधिकार अरे हो, अरे राज अधिकार हो, अरे राज अधिकार रे, कोई जाएगो और ना तेरे साथ तेरे तन पे ना छोड़ेंगे तार हो, तेरे तन पे ना छोड़ेंगे तार, कुटुंब परिवार हो, कुटुंब परिवार रे, तेरे आग लगा दे तेरे गात खोरी, वो कहा वकील पैर टेके
मेरो एल्बम तू ही देखेगो नसेनी बिन भायली क्या अरे भायली इतना मन रुपये का पुरस्कार हमारे अंकल जी हमें दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। हेगे दी साहब देखो भैया जी कहा क्या अरे नसेनी बिन भायली अरे भायली रे हम ओ भायली रे जी जी ओ भायली रे मो पे पिया की अटारी चढ़ो न जा अरे नसेनी बिने जवाब दे रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि राजा सुन आप पांडवों के साथ में अन्याय ना करें। लेकिन भैया जी विचार कीजिए किस प्रकार से क्या जवाब दे रहे हैं, गौर कीजिए क्या बापन की ऐसे बापन की होएगी राजा खोरे जिंदे गाड़ी देश धर्म के काम न आवे दौलत और लेकिन भैया जी कह दिया क्या, गौर कीजिएगा जवाब दे रहे भैया बाबा साहब कहा
अतिथि का सत्कार न होता। क्या ये क्या मतलब का पुरस्कार? राजेंद्र साहब बरौली हर बार घोड़ी वाले दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन भैया जी कहा क्या, गौर कीजिएगा, जवाब दे रहे कहा, अरे अतिथि का सत्कार न होता और ऐसी हाँ ऐसी भी वो गृहस्थी क्या। हे रे पंचवैद पंचवैद हाँ पंचवैद विद्यालय ना हो ऐसी भी वो बस्ती क्या। लेकिन क्या कहा, कहा भैया, हे रे दिल दुख है दिल लगी करत में। भैया जी जवाब दिया कहा, हे रे दिल दुख है दिल लगी करत में और ऐसी ऐसी भी वो मस्ती क्या। और पैसा पास पैसा पास पैसा पास नहीं लेने को ऐसी वस्तु सस्ती क्या। लेकिन भैया जी सुनिएगा, कहा है क्या, 51 रुपए पहले और 51 रुपए अब मदन मसारी वाले दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं भैया जी। लेकिन सुनिएगा कहा है क्या, भैया जी जवाब दे रहे हैं कहा, कहने लगे क्या, बुरी नीयत से करे भोरिका, बुरी नीयत से करे भोरिका ते और ऐसी हाँ ऐसी साहूकारी क्या। अरे ऐसी साहूकारी क्या, अरे ठीक समय पे पहुंचा बेना उसका नाम सवारी क्या। लेकिन सुनिएगा भैया जी कहा क्या, गौर कीजिएगा, जवाब दे रहा है कभी लिख रहा है क्या, अरे खेल भावना से ना खेला, अरे खेल भावना से ना खेला और उसका नाम खिलाड़ी क्या। हेरे घर की चीज का ध्यान रखे ना ऐसी भी घर। लेकिन भैया जी सुनिएगा, कह दिया गौर कीजिए भैया जी क्या कहा, अरे जगह जगह उपदेश करे ना, हेरे जगह जगह उपदेश करे ना और ये सन्यासी हाँ सन्यासी उपकारी क्या। हेरे जगह जगह उपदेश करे ना सन्यासी उपकारी क्या। अरे बार बार ए बार बार हाँ बार बार चूक जाए निशाना उसका नाम शिकारी क्या। समय का बा सुनिएगा एक छोटा सा गाना और भैया जी गाना भी क्या विचार करें, कमेटी से निवेदन करूंगी शांति बना। भैया जी गाना भी बनाए प्यारा आपके सामने लेकर के आ रही हूं। भैया जी गौर कीजिएगा, चार बातें बाबा साहब आपके सामने रखूंगी जो प्रभु ने लीलाएं की थी। लेकिन भैया जी सुनिएगा कौन कौन सी लीला उस प्रभु ने रच दी, कौन सी लीला ऐसी कर दी, अपना अलग स्थान लिए बैठे भैया क्या जवाब दे रहे। और ये ले कहीं पे धोते चरण और कहीं धुलवाते हैं और वाते हैं दूसरी लीला। और ये ले कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते हैं, कहीं पे धोते चरण कहीं धुलवाते हैं। लेकिन तीसरी लीला क्या, कहीं पे करते प्यार कहीं ठुकराते हैं, कहीं पे करते प्यार कहीं ठुकराते हैं।
और कहीं पे लड़ते जंग कहीं भाग जाते हैं। लेकिन सुनिएगा मामा साहब, पहली लीला क्या जवाब दे रही है। मैंने कहा पहली लीला कहीं पर धोते चरण कहीं धुलवाते, लेकिन सुनिएगा भगवान ने चरण कहाँ धोए भैया जी, कहाँ। और देखे सुदामा की दीन दशा करुणा कर मोहन रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं आसुन से पग धोए, अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं आसुन से पग धोए। लेकिन सुनिएगा भगवान ने चरण धुलवाए कहा थे भैया गौरव, जवाब दे रहे कहा। अरे त्रेता युग में राम लखन जब, त्रेता युग में राम लखन जब गंगा तट पर आया, के बट ने पग धोए लिए ता पीछे नाव चढ़ाए। ऐसा क्यों हुआ भैया कहा। अरे के बट के मन की शंका दूर भगाते हैं कहीं पे धोते चरण कहीं धुलवाते हैं। लेकिन विचार करवाओ था दूसरी लीला क्या जवाब दे रही है, गौर कर रही होगी बात। दूसरी लीला थी कहीं पर चलाते बाण कहीं चलवाते हैं, लेकिन भगवान ने बाण कहाँ चलाया भैया जी, सुनिएगा गौर कीजिए कहा। जवाब दे रहे बाबा साहब रुक जाओ ने भैया जी, कहा भगवान ने बाण चलाया कहा था। अरे त्रेता युग में सुग्रीव संग यारी धर्म निभायो, अरे त्रेता युग में सुग्रीव संग यारी धर्म निभायो, और एक बाण से महाबली बाली कुमार गिरायो। बाण चला दिया लेकिन अब बाण चलवाए कहा थे, सुनिएगा कहा। अरे महाभारत के युद्ध में नाए श्याम ने बाण चलाया, और वो विश्व विजेता भीष्म बाबा अर्जुन पे मरवायो। लेकिन क्या कह दिया भैया जी, अरे पहले वादा किया भैया गौर कीजिएगा, पूर्व जन्म की नार शिखंडी को लाते हैं कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते हैं। लेकिन अंतिम कड़ी क्या जवाब दे रही है भैया जी, कह रहे हैं क्या अंतिम कड़ी है, कहीं पर करते प्यार कहीं ठुकराते। भगवान ने प्यार को ठुकराया कहा था, सुनिएगा जवाब दे रही हूं। और वास्तव में बात अगर आपको सच्ची लगे और अच्छी लगे, तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी बच्ची के लिए, खावे पे जोर मत दे जाइयो कहीं, सुनिएगा भैया जी कहा क्या। जवाब दे रहे कहने लगे भगवान ने प्यार को ठुकराया कहा था, कह दिया हो पंचवटी पर सुपड़ खा जब प्यार की बोली वाणी, अरे पंचवटी पर सुपड़ खा जब प्यार की बोली वाणी, मोसे बिहा रचाए लो स्वामी तुम राजा में रानी। प्यार को ठुकरा दिया लेकिन प्यार को अपनाया कहा भैया जी, जवाब दिया कहा क्या, कह रहे क्या। अरे वो ही सुपड़ खा द्वापुर में कुब्जा बनी दीवानी, और सुंदर रूप बनाए के वाकी कर दीनी मनमानी। इसीलिए कह दिया पहले वादा किया वो आज निभाते हैं, पहले वादा किया वो आज निभाते हैं, और कहीं पे करते प्यार कहीं ठुकराते हैं।